हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कार्ड बाय सोनी। मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर में, तो मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो जो मुझे अच्छी आइटम्स लगेंगी क्राफ्ट से रिलेटेड या जो भी मटेरियल, मैं आप लोगों के साथ ना जरूर से शेयर करूंगी। और इसी के साथ चलिए मैं निकलती हूँ वहाँ के लिए, मिलते हैं आपको वीडियो में। और अगर वीडियो मेरी ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो मैं उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके डालूंगी, अदरवाइज अगर एक में टल जाती है तो एक में मैं कोशिश करूंगी आज ही वीडियो को वायरल कर दूंगी, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज है मंडे, मंडे के दिन हम लोग जा रहे हैं तो ट्यूसडे को आपको अवेलेबल हो जाए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम ये वुडन की जो आइटम है इनसे। ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल रही थी वुडन में, और ये फ्लावर पॉट हैं, वाश हैं, ये सब हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये वोच हैं, ये सब वुडन में बनाई गई हैं, लेकिन ये सब काफ़ी कॉस्टली हैं, बड़ी ही कॉस्टली हमें मिल रही थी। और ये कुछ यहाँ पे सूट और साड़ियाँ हैं, इनका भी प्राइस हमने पूछा तो ये काफ़ी कॉस्टली थे। यहाँ पे सब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था स्टॉल पे। ये देखिए ये मैग्नेट्स हैं, फ्रिज मैग्नेट, और ये हैंडमेड हैं, सब हाथ से बनाई हुई हैं, और इनका भी हमने प्राइस पूछा था तो काफ़ी महंगी थी ये। और ये हैं ब्रास की आइटम्स, इनको जो भी आप लोग लेना चाहते हैं इसमें सब, जो भी हमारे गोड्स हैं और एलिफेंट वगैरह जो शो पीस हैं वो सब इसमें बनाए गए थे। और ये दिल्ली से ही थी। और ये हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी में ना ये सब हैंडमेड है, इनमें थ्रेड वगैरह वर्क किया हुआ है और स्टोन बीड्स लेस वगैरह लगा के इनको रेडी किया गया है। ये बैग वगैरह ये सब हैंडमेड है, ये जो बास्केट्स बना रखी हैं, लैंप्स हैं, ये सब हैंडमेड आइटम हैं। ये बैग वगैरह, ये जो नेकलेस है ये 250 पे अराउंड था, और जो साइड वाले हैं हल्के वाले वो 150 अराउंड मिल रहे थे। और ये जो ईयरिंग्स हैं सबका प्राइस साइड में लिखा हुआ है। ये देखिए ये 150 का ही था, और अगर दो ले रहे हैं तो वो 250 में दे रहे थे। ये काफ़ी मतलब लाइट वेट थे, इनमें वेट नहीं था बिल्कुल भी, और लुक में भी काफ़ी अच्छे थे। इयरिंग हमने कुछ ख़रीदे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या वहाँ से शॉपिंग की है। और ये बैग वगैरह ये सब हैंडमेड आइटम्स हैं। अब ये यहाँ पे सिरेमिक के कुछ आइटम्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं और प्राइस भी इनके रिजनेबल मुझे लगे, तो यहाँ से हमने भी कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं आपको वो कभी फिर शो करूँगी। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वो लहंगिंग है ये, और ये थ्रेड और जो फैब्रिक है उससे बनाई गई है, और कुछ यहाँ पे वुडन वगैरह का भी यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छी ये चीज़ थी, मुझे बड़ी पसंद आई है ये। कई सारी शॉप्स पे इनको मैंने देखा, और इनका प्राइस तो काफ़ी कॉस्टली था, बट ये हैं हैंडमेड बैग्स। और ये देखिए ये सिरेमिक के हैं, बट काफ़ी कलरफुल और बड़े ही सुंदर आइटम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी सेरेमिक जो डेकोर पीस है उनकी, वॉल हैंगिंग में भी हैं डेकोर पीस, और ये डोरबेल वगैरह भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सोचना पड़ेगा, ले तो सकते ही हैं बट थोड़े से कॉस्टली हमें पड़ेंगे। और यहाँ पे ये मॉडल वगैरह बनाया हुआ था, और ये LIC वालों ने बलून टॉय लगा रखा था, इसके साथ सब फ़ोटो करा रहे थे और इसे मस्ती कर रहे थे। अब ये हैं स्टोन जो हमारे समुंदर में हमें मिलते हैं, इन सबको यहाँ पे शो कर रखा है, जो डिफरेंट डिफरेंट और जो अच्छी क्वालिटी के महंगे वाले जो स्टोन्स हैं उनको यहाँ पर शोपीस किया हुआ है। और ये वो स्टोन है जिनका यूज़ हुआ है राम मंदिर को बनाने में, इन चारों को यहाँ पे शो किया गया है और इनके नेम यहाँ नीचे मेंशन है। और ये है मधुबनी आर्ट जो कि बिहार की है। आजकल मधुबनी पेंटिंग काफ़ी चलन में है, और ये बिहार की आर्ट है, और इसे ना देखिए ये काफ़ी अच्छे से शो किया गया है, काफ़ी सारी वेराइटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। और लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हैं, प्राइस हमने पूछा तो 3000, 2000, 5000 ऐसे हमें प्राइस मिल रहे थे यहाँ पे। आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। मधुबनी आर्ट हमें दिखने में जितनी इजी लगती है उतनी इजी ये नहीं होती है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ही बारीक वर्क इसमें होता है। मैं पेंटिंग बनाती हूँ, मुझे खुद को पता है कितनी मेहनत इन सब में लगती है, इसलिए मे भी ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है।
ये देखिए, और पेंटिंग ना यहाँ पे ये सारी मुझे तो ऑलमोस्ट सेम लग रही थी, लेकिन इन लोगों का कहना था कि ये मैथिली पेंटिंग है। दूसरी शॉप पे जब जाके हमने पूछा कि ये मैथिली पेंटिंग है तो मधुबनी पेंटिंग में क्या फ़र्क है, ये दोनों मुझे तो सेम लग रही हैं, तो उन्होंने बताया एक्चुअली में ये दोनों सेम ही हैं। तो जो राजा जनक थे ना, उन्होंने इनका मधुबनी पेंटिंग का नाम मैथिली पेंटिंग रख दिया था। तो कुछ लोग इसको मधुबनी बोलते हैं, कुछ इसको मैथिली पेंटिंग बोलते हैं, तो ये दोनों सेम ही हैं। अब यहाँ पे हैंडमेड ये बैग हैं, ये प्योर कैमल के जो लेदर है उससे बने हुए हैं, हैंड से बनाए गए हैं, और इनका इनकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई है, ये 1500 से 1600 तक हैं। और ये हैं वुडन के आइटम, यहाँ पे ये एक्चुअली ये सब आइटम्स जो भी हैं, ये जो बांस होता है बैम्बू उससे बनाई गई हैं ट्रे, और ये लैम्प हैं ऊपर जो हैं, ये हैंगिंग लाइट्स वगैरह और वॉल हैंगिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये हैं जूट के आइटम जो कि जूट से बनाई गई हैं, ये डोल है, ये प्रॉपर जूट से ही बनाई गई हैं, इन सबको कम्प्लीटली जूट से बनाया गया। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी आइटम्स हैं ये सब जूट की बनाई हुई हैं और सारी हैंडमेड आइटम हैं। इस डोल के लिए मैंने स्पेशली पूछा था। और ये हैं हैंडमेड प्रिंट की गई सारी चीज़ें, और ये भी ऑलमोस्ट जो बैम्बू है उससे बनाई गई हैं, कुछ को बैम्बू से बनाया है, कुछ ऐसे पेंट करके बना के रेडी की गई हैं। और यहाँ पे जो भी हैंडमेड आइटम्स थी मैंने उनकी वीडियो ज़्यादा बनाई हैं, जो कपड़े वगैरह फैब्रिक वगैरह थे उनकी मैंने नहीं बनाई हैं। ये देखिए, ये सब हैं वुडन से बनाई गई हैं, वुडन से पेंटिंग, वुडन के वाश, वुडन के वॉल हैंगिंग, वुडन के ये लैंप वगैरह सब वुडन का बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आर्ट है कट, जो पाम ट्री है उसकी जो लीफ है उसको कट करके उसके ऊपर इसे बनाया गया है। ये देखिए, ये वॉल हैंगिंग है, ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं नीचे, इसको जब मैंने दिखाया तो ये पाम ट्री का यूज़ करके बनाई गई थी। और ये देखिए, ये जितने भी आइटम्स हैं ये लेदर के बनाए हुए हैं, ये हमें 300 का पेयर मिल रहा था, ज़्यादा कॉस्टली ये मुझे नहीं लगे, और एज ए डेकोरेशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें थी, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। और ये देखिए, ये हैंडमेड डोल है, इनको ना एक्चुअली जो रियल वाले डोल हैं उनको अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, इनको कपड़े वपड़े पहना के हेयर वगैरह अलग से इनको लगा रखा है, और कपड़े इतने सुंदर सुंदर इनको पहना रखे हैं ना, बड़े सुंदर ये लग रही थी। और ये वुडन की अगेन आइटम आ गई हैं, ये भी बैम्बू से बनाई गई हैं। और ये देखिए, वॉल हैंगिंग लाइट्स काफ़ी सारी आइटम्स हैं जो कि बैम्बू से बनाई गई थी। ये जो बैम्बू वाली ट्रे है ये 150 की हमें छोटे वाला साइज़ मिल रहा था, और बड़े वाला साइज़ अगर हम ले रहे हैं तो वो 250 का था, तो ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगी, ये ठीक है। जो बैम्बू वाली आइटम्स थी वो ऑलमोस्ट ठीक थी, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, सही लगे मुझे ये। ये वुडन वाली ब्रश है, ये 70 रुपये की हमें मिल रही थी, और ये बता रहे थे कि इसके जो ये आगे से ब्रश के हेयर हैं ये भी ख़राब नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे। काफ़ी अच्छा ये लगा, ये वुडन में की चेन वगैरह हैं वो भी बनाई गई हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे टॉयज़ भी हैं, और कलरफुल कितने सारे टॉयज़ आइटम्स, ये सब वुडन से बनाए गए हैं। ये मुझे छोटे बच्चों के लिए आइटम अच्छी लगी, जो कि टूटेगी भी नहीं है और काफ़ी लंबी चलेगी, लाइफ भी इनकी है और दिखने में भी अच्छे हैं, मुझे बड़े पसंद आए थे टॉयज़। जिसके पास छोटे बच्चे हैं आप लोग ये ख़रीद सकते हैं, एक अच्छा आइडिया है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये फ्लावर पोट जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मैन और वुमेन में पोट्स वगैरह भी बना रखे हैं। ये अगेन यहाँ पे बैम्बू की आइटम्स हैं, मैंने रिपीट कुछ भी नहीं किया है, जो भी मेरे को अलग लगा उसी की वीडियो मैंने फिर से बनाई है। यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं डिफरेंट लगी, ये बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये 5 ये वाला जो बॉक्स है ये 500 में हमें 4 बॉक्स मिल रहे थे, और छोटा बड़ा बड़ा एक के अंदर 4 पीस थे, वो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे और एक अच्छी आइटम है घर के लिए यूज़ में करने के लिए। और ये देखिए, ये सब भी बैम्बू से बनाई गई हैं, पतली पतली जो बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप निकाल के उन सब से बनाई गई हैं, और वुडन की आइटम भी आप देख रहे हैं, ये कप है वुडन में और एक ये बाउल है, काफ़ी अच्छे मुझे ये लगे और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, वुडन की आइटम है तो ये चलेगी भी, इनकी लाइफ भी है, बड़ी अच्छी मुझे ये लगी। और ये देखिए, बास्केट छोटी सी,
और ये कुछ है वॉल हैंगिंग, बड़े ही सुंदर ये लग रहे थे। ऐसी चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, आप ट्रेड फेयर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं और आप वहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं, जो चाहे आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वहाँ जाने का बेस्ट पार्ट एक यही है, ये देखिए सिरेमिक की आइटम है, यहाँ पे आप जो चाहे शेप आप ले सकते हैं, बाउल प्लेट्स, और ये देखिए ये जो लैम्प्स हैं लालटेन्स हैं, ये तो बड़े ही कॉस्टली थी, एक का प्राइस हमने पूछा था तो ये जो हैंगिंग वाले जो ये लैम्प हैं इनका प्राइस हमने पूछा तो 15,000 इनका प्राइस था। ये बाउल है, ये भी सिरेमिक के हैं और बड़े सुंदर ये लग रहे थे, और इनमें डालने पे ये कुछ ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्वालिटी इन सब की अच्छी थी। और ये देखिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पोमीग्रेनेट का ये शोपीस बना के रेडी किया गया है ऐसे ही। ये देखिए कैट है सुंदर सी, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सारी आपको मिल जाएंगी। इन सब के लिए आप वहाँ ज़रूर जाएं, अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें इतनी सारी मिलेंगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको लेना क्या है और आप छोड़ेंगे क्या। ये थाईलैंड की ज्वेलरी है, वैसे इस ज्वेलरी में मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा, ऑलमोस्ट ये ज्वेलरी हमें कॉमनली आजकल मार्केट में मिल जाती है, जहाँ भी आप खरीदेंगे ये सारी ज्वेलरीज आपको मिल जाएंगी। इनके पास सारी लेडीज़ आइटम थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये थाईलैंड की ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है वो है, ये है एक अलग दिखने वाली चीज़ जिसे आप लोग खरीद सकते हैं कि हाँ इसे आप बोलेंगे थाईलैंड की है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें मुझे कुछ अलग नहीं लगा, ये सारी ज्वेलरीज हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको डबल ट्रिपल प्राइस इन सब का मिल रहा था। यहाँ पे ये सेफ्रन सेल हो रहा था, इसका पर ग्राम 700 का था, अब ये रियल है या नहीं ये तो हमें आइडिया नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं जिनको पता है। ये है ज्वेलरी, ये स्टोन वाली ज्वेलरी है, वो कुछ अलग लगी मुझे। और यहाँ पे ये बैग वगैरह अवेलेबल थे, साड़ियों का प्राइस मैंने पूछा, बड़ी कॉस्टली थी। और ये कुछ मेटल के आइटम्स हैं, बड़ी सुंदर डेकोर पीस हैं ये, मुझे बड़े अच्छे लगे, प्राइस लेकिन उतना ही हैवी था, बस 1000 से नीचे तो कुछ भी नहीं था, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन इतनी अच्छी भी थी, लुक में बड़ी सुंदर लग रही थी। ये जो मेटल वाली आइटम है मुझे बड़ी अच्छी लगी, और इनकी लाइफ भी ज़्यादा है, और दिखने भी ये बड़ी सुंदर थी, और वॉच वगैरह भी हमें इसमें मिल रही थी। ये अगेन हैंडमेड आइटम आपको फिर से मिल जाएगी, सारी हैंड से बनाई गई हैं, बड़ी सुंदर थी ये सब। ये तो मैंने देखी नहीं थी। ये फिर से हैंडमेड जो इयररिंग्स वगैरह ज्वेलरी है वो सब यहाँ पे है। ये देखिए ये जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं उनसे हमारी ज्वेलरी वो बनाई गई है, काफ़ी डीप वर्क इन पे किया गया है, और बड़ी सुंदर ये लग रही थी। इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम आपको मिल जाएगी, बेल्ट वगैरह भी इनमें है, बड़े बड़े जो नेक पीस हैं नेकलेस वगैरह हैं वो सब भी आपको इनमें मिल जाएंगी। ये देखिए इनके डिजाइंस, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, इसकी भी एक शॉप थी, काफ़ी सारी ज्वेलरी थी इनके पास और अच्छी थी ये। यहाँ पे ये मेटल वाले लैंप हैं, इनके प्राइस सबके अलग अलग थे, कुछ हैंगिंग वाले थे कुछ स्टैंडिंग वाले थे, सबके प्राइस अलग हैं, बड़े ही सुंदर थे ये। इनकी शॉप तो बड़ी ही सुंदर लग रही थी, बस ऐसे जगमग किए जा रही थी कि वहाँ पे फ़ोटोशूट करा रहे थे लोग खड़े होके। अब आ गई है आर्टिफिशियल जो हमारे फ्लावर्स हैं उन सब के शॉप, यहाँ पे आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पर मिल रही थी, लोग बुके टाइप में डिफरेंट डिफरेंट इकट्ठे करवा के अपना रेडी करवा के लेके जा रहे थे, लगभग 700 अराउंड वो एक बुके टाइप हमें पड़ रहा था।
अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं सबका यहाँ पे शो किया गया है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग पंडाल टाइप में जो है वो बने हुए थे और इन सब में उन्हीं के जो मेन आइटम्स हैं उन सबको शो किया गया है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया हमारे हरियाणा को और यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें मिला। और सबसे पहले हमने यहाँ जाके अपना फ़ोटो शूट कराया। काफ़ी अच्छी जगह ये हमें लगी तो सोचा यहाँ पे शूट कराया जाए। ये हरियाणा में गुड़गांव को दर्शाया गया है। ये काफ़ी 3D से भी ज़्यादा मुझे लगा, बड़ा ही अच्छा था। ये अंदर जाके देखें तो एकदम से ऐसे फील हो रहा था जैसे कि हम स्क्रीन नहीं देख रहे, हम खुद वहाँ पे हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं, ये देखिए इन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। ये छोटा छोटा जो स्टोन जो होता है मार्बल टाइप में उसके पीसेस से ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। काफ़ी अच्छी थी ये, इनमें बड़ा बारीक वर्क किया गया था। ये भी उसी से बनाई हुई है। काफ़ी सारी इसी स्टोन से इन्होंने पेंटिंग बनाई है और वैसे भी कुछ अलग भी बनाया गया था। बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई थी और ये अपनी पेंटिंग्स को यहाँ सेल कर रहे थे। यहाँ हर आर्टिस्ट अपने आर्ट को शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ पेंटर लोग बैठे हैं, ये भी कुछ पेंटिंग बनाई जा रही हैं और अपनी सेल भी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शोकेस की हुई है अपनी कला को, अपनी पेंटिंग्स को यहाँ दीवार पे। यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन हमें मिल रहे थे लेकिन इनका प्राइस भी ठीक ही था, ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगे। बड़े साइज़ के मग, छोटे साइज़ के मग, तवा, मटकी वगैरह सब मिल रहा था यहाँ पे। आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए सामने पानी की बोतल, जग, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है मिट्टी से बना हुआ। ये देखिए जो ग्लास से बनाए गए शो पीस हैं काफ़ी सुंदर ही लग रहे थे। और कुछ यहाँ पे जो हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पे इससे बनाई गई थी। ये जो भी आइटम्स आप देख रहे हैं डेकोर पीस हैं, ये सब पेपर से बनाए गए हैं। ये जो मैम यहाँ पे बैठी हैं इनकी एक टीम है, वो सब मिलके वर्क करते हैं और तब ये बना के रेडी करते हैं। यहाँ पे आप जो भी डेकोर पीस देख रहे हैं ये सारे आइटम्स हैं, ये सब पेपर से ही बनाई गई हैं। ये देखिए पेपर से बनाया गया क्रिसमस ट्री, लाइट्स, फ्लावर पॉट और ये जो हमारे डेकोर पीस है, बास्केट्स, ईयर रिंग्स, सब इनसे पेपर से ही बनाए हुए हैं। ये वॉल हैंगिंग भी पेपर से बना के रेडी किया हुआ है। ये कैंडल्स हैं, ये भी पेपर से बनाई हुई हैं। ये बोल रही हैं कि ये जलेंगी नहीं, दोबारा से इनको यूज़ किया जा सकता है। ये इन्होंने हमें पेपर से बनाई हुई राखी दिखाई है। ये बोल रही थी अभी एक ही पीस पड़ा है, काफ़ी सारी हमने सेल की हैं। ये देखिए वुडन की चक्की, बेलन और ये जो दूध बिलोने वाली जो हमारी पहले जो गांव में रही वगैरह होती थी, ये सब उनसे वुडन से बनाई गई हैं। शोपीस हैं ये, आप लोग इनको खरीद सकते हैं यहाँ से। चेस बोर्ड और ये देखिए ये जो चरखा, सूत काटने वाला चरखा होता है उसे भी यहाँ वुडन से बनाया गया है। हरियाणा और पंजाब में दूध दही का जो खाना होता है उसको दर्शाते हुए ये एक छोटी सी झांकी टाइप में बनाई गई है। ये देखिए ये उड़ते हुए पंछी, ये भी वुडन से बनाए गए हैं, कितने सुंदर ये लग रहे हैं।
ये हमारी जो भी सारी आइटम्स है ये जूट और रस्सी वगैरह से बनाई गई थी। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, बॉक्स और ये पर्स हैं, ये भी जूट से रस्सी से सॉरी बनाया गया है। ये वाला पर्स हमारा जूट से बना के रेडी किया गया है। ये हमारी स्टोन ज्वेलरी, पूरा दिन हमें हो गया है यहाँ, हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा मैंने शूट किया है, 5 o'clock हमें अराउंड हो गया है। पूरा दिन आप यहाँ पे लगाएंगे तब आप एक होल ही एक्सप्लोर कर पाएंगे अगर अच्छे से आप देखें तो। ये फेस मास्क है, इनका प्राइस हमने पूछा 2000 इनका प्राइस था। आप इनको खुद भी बना सकते हैं, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है, वो अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखें। ये हैंडमेड लैम्प है, इन सबको भी यहाँ पे बना के सेल किया जा रहा है। ये जो भी आइटम्स हैं ये कोकोनट शेल से बनाई गई हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, ये अगरबत्ती होल्डर हैं, कैंडल्स हैं, इन सबको बनाने के लिए कोकोनट शेल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे है अगेन फिर से वो ज्वेलरी, छोटे छोटे बीट्स वाले, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो नेक पीस हैं वो अवेलेबल हैं, आप इनसे खरीद सकते हैं। ये अगेन हमें कुछ आइटम्स मिले हैं, ये भी बैम्बू से बना के रेडी की गई हैं। ये टी कोस्टर से 100 rupees का वन पीस है वो टी कोस्टर का। ये देखिए बैग भी बनाए गए हैं इससे, बास्केट्स, बैग्स और जो हमारी ट्रे वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, टेबल रनर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इससे बना के रेडी की गई हैं। ये यहाँ पे हैंडमेड कुछ क्राफ्ट्स हैं वो बना के रेडी किए गए हैं, उनको यहाँ पे सेल किया जा रहा है। ये देखिए स्टोन पेंटिंग्स हैं, इन सबको यहाँ पे बेस पेंटिंग का बना के उसके ऊपर स्टोन से सुंदर सुंदर बना के रेडी किया गया है। कुछ मग्स को भी यहाँ कलर करके रेडी किया गया है। ये देखिए हम बाहर आए हैं तो 6:15 का टाइम यहाँ पे हो गया है, सब लोग अपने घर की साइड जा रहे हैं। जिस तरह से सुबह के पक्षी अपने रात में अपने घोंसले में जाना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से सब अपने घर की साइड अब जा रहे हैं, हम भी अब अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। हमारी छोटे बड़े 8 लोगों की टीम थी, निकल पड़े हैं अब अपने घर की साइड।